नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे बोनस शेयर क्या है, बोनस शेयर किस तरह से मैजिकल रूप से हमारे इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड करता है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इसके मैजिकल कंपाउंडिंग के, और बोनस शेयर किस लिए दिया जाता है, कब दिया जाता है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिये, बोनस शेयर जो इश्यू होता है वो एग्जिटिंग जो शेयर होल्डर होता है, इसके लिए एक्स बोनस डेट, जो एक्स बोनस डेट अगर आपका जिस डेट को है, अगर मान लीजिए कि 10 जून को एक्स बोनस डेट है, तो आपको 9 जून तक ही शेयर बाय करते हैं तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। और एक्स बोनस डेट के एक दिन बाद जो है वो रिकॉर्ड डेट होता है, क्योंकि टी प्लस टू डेज में शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। तो अगर आपने शेयर आज बाय किया तो टी प्लस टू मतलब परसों रिकॉर्ड डेट होगा, रिकॉर्ड डेट तक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए, तब बोनस शेयर इश्यू होगा। तो वही एग्जिटिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू किया जाता है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो ये शेयर मिलता है वो शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर मिलता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी अलग से फी पे नहीं करना पड़ता। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होते जाता है तो कंपनी अपना रिजर्व इंक्रीज करते जाता है, तो जो रिजर्व कंपनी इंक्रीज करता है तो वो उस रिजर्व को या तो अपने एक्सपेंशन में यूज करेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंस करना है, या तो कंपनी उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में देगा, या तो कंपनी उस डिविडेंड या तो कंपनी उस रिजर्व को बोनस शेयर के रूप में अपने शेयर होल्डर को दे देता है, बोनस शेयर देता है, जिसके बदले रिजर्व को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करता है। तो ये रिजर्व होता है जिसका जिसको या तो एक्सपेंशन में यूज करता है कंपनी, या तो डिविडेंड पे करने में, या तो कंपनी उसके बदले बोनस शेयर इश्यू करता है, या उससे बायबैक भी लाता है। याद रखिए, जो आप देखेंगे टीसीएस इस बार भी बायबैक लाया, बहुत सारी आईटी कंपनियां बायबैक लाती है। तो इस रिजर्व का यूज करके कई सारे वर्क होते हैं यहां पर, या तो एक्सपेंशन करेगा, या तो डिविडेंड पे करेगा, या तो कंपनी बोनस इश्यू करेगा और रिजर्व को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर लेगा, या कंपनी जो है बायबैक ला सकती है। तो ये सारी चीजों में यूज होता है रिजर्व, उसी में से एक है बोनस शेयर, मतलब फ्री कैश रिजर्व रिक्वायर्ड होता है इंप्लीमेंटिंग बोनस शेयर। बोनस शेयर जो है हमारा, जैसे कोई कंपनी इश्यू कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर देख रहा है। अब देखिए, बोनस शेयर कौन सी कंपनी देगी, जो कंपनी ग्रोथ कर रही है और साथ साथ जिस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है बोनस शेयर देने का, क्योंकि जो कंपनी लगातार अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रही है वही आपको बोनस शेयर देगा। और एक एक्सटर्नल जो बेनिफिट है कि बोनस शेयर देने से कंपनी के जो स्टॉक है उसमें लिक्विडिटी इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने से उसमें लिक्विडिटी बढ़ता है, जिसके कारण जो स्टॉक को बाय सेल करने में आसानी होता है। जैसे देखिए, 1:1 का बोनस अगर देता है तो उस कंपनी का अगर पहले से 1000 शेयर था तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 2000 शेयर, तो इससे लिक्विडिटी क्या हो गया, 2 गुना। अगर कोई कंपनी 3:1 का बोनस शेयर देता है तो यहाँ 3:1 का शेयर देने मतलब 1000 पे 3 शेयर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 4000, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी 4 गुना। तो बोनस शेयर देने से लिक्विडिटी काफ़ी ज़बरदस्त रूप से कंपनी का इंक्रीज होता है, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर को भी बेनिफिट करता है, कंपनी में लिक्विडिटी रहता है तो वो बाय सेल जैसे करेंगे तो वहाँ पर क्वांटिटी उनको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए, बोनस शेयर देने से क्या डिफरेंस पड़ता है, देखिए यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मतलब अगर आपका उस समय इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है 1 लाख है तो वो 1 लाख ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन बोनस शेयर देने से नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो 1:1 पे डिपेंड करता है कि 1 पे 1 बोनस शेयर फ्री है, तो आपके पास पहले से 100 शेयर है तो 200 हो जाएंगे, अगर 2:1 है तो आपको 200 शेयर फ्री मिलेंगे, तो 100 शेयर आपके पास पहले था 300 हो जाएंगे। प्राइस विल डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ बोनस शेयर इश्यू, देखिए पहले से अगर शेयर का प्राइस 100 रुपीज था और 1:1 का कंपनी बोनस देती है, 1:1 के बोनस के बाद आपका जो नंबर ऑफ शेयर 2 गुना हो जाएगा, लेकिन प्राइस यहां पर हाफ हो जाएगा, मतलब प्राइस जो है उसके हाफ 50 हो जाएगा 1:1 के बोनस शेयर के कारण। उसी तरह जिस रेशियो में बोनस शेयर आपका इश्यू होगा, तो जैसे जिस नंबर मतलब जिस रेशियो से आपका शेयर इंक्रीज होगा उसी रेशियो से शेयर प्राइस डिक्रीज होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है, क्योंकि शेयर प्राइस जो है टूट करके काफी सस्ते हो जाते हैं, जिससे आप जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का अट्रैक्शन जो उस ओर काफी बढ़ जाता है। इसी कारण है कि विप्रो जो है काफी एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब देखिए, बोनस शेयर किस तरह से मैजिकल काम करता है वो आपको बताते हैं कंपाउंडिंग में। जैसे आपने इन्फोसिस का 1993 में मात्र 10 शेयर लिया रहा था, उस समय 95 रुपीज का एक शेयर था, तो 950 रुपया का कुल इन्वेस्टमेंट होता, मतलब 1000 रुपया मान लीजिए, 950 रुपया कम ही 1000 में है,
अब ये 10 शेयर देखिए किस तरह से आपको कंपाउंडिंग में बेनिफिट करता है। देखिए 1:1 का बोनस आया तो टोटल शेयर हो गया आपका 10 शेयर कितना 20 शेयर। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोनस शेयर आता है 1:1 का तो आपका ये 20 शेयर हो गया 40। फिर 99 में आपको बोनस शेयर आता है 1:1 का तो ये 40 शेयर हो गया 80 शेयर। फिर यहाँ पर फेस वैल्यू स्प्लिट होता है 10 से 5 पे तो फेस वैल्यू जैसे स्प्लिट होगा नंबर ऑफ शेयर्स उसी मतलब उसी रेशियो में डबल हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स तो 80 हो गया 160। फिर 2004 में 3:1 का बोनस मतलब एक शेयर पे 3 शेयर फ्री लीजिए तो 160 है तो 480 शेयर आपको फ्री मिलेंगे। पहले से 160 है ऐड कर दीजिए तो 640 शेयर फ्री होंगे मतलब टोटल शेयर आपके होंगे। अब यहाँ फिर से 2006 में बोनस चलाता है 1:1 का तो फिर से शेयर को डबल कर दीजिए हो गया 1280। फिर यहाँ पर 2014 में 1:1 का तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर दीजिए 2560। 2015 में फिर 1:1 का बोनस तो यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई 5120 शेयर। फिर 2018 में 1:1 का बोनस फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 10240 शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपका हो गया कंपाउंड होते होते 10 शेयर आपने बाय किया था हो गया 10240 शेयर। तो ये मैजिकल कंपाउंडिंग का वो काम करता है बोनस शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। मात्र 10 शेयर जो आपने लिया था वो हो गया 10,000 शेयर। तो कितना टाइम्स आपका रिटर्न हुआ आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका 1,000 टाइम्स हो गया 1,000 टाइम्स 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब 10,000 आएगा। तो 10,000 शेयर हो गया और साथ साथ प्राइस में जो ग्रोथ होगा वो अलग क्योंकि अभी जो आप इन्फोसिस का शेयर का प्राइस 93 में था मात्र 95 रुपीज था अभी ये है 1500 के आसपास और यहाँ से आपको रिटर्न मिला एक तो अलग यहाँ से आप रिटर्न देख सकते हैं लगभग 15 टाइम्स का यहाँ से रिटर्न मिला। अगर 15 टाइम्स यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए फिर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए लगभग 15,000 टाइम्स हो गया आपका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न था। तो ये मैजिकल कंपाउंडिंग का काम करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।